अपने ही भतीजे मनीष मिश्रा की शिकायत में जेल में बंद भदोही की ज्ञानपुर सीट से दबंग विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब भदोही से ही पूर्व विधायक और सांसद गोरखनाथ पांडे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जहां सीएम योगी की तारीफ की, वहीं जमकर विजय मिश्रा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विजय मिश्रा कहीं से ब्राह्मण नहीं है, उन्होंने ब्राह्मणों वाले कोई भी काम नहीं किए हैं, वो सिर्फ ब्राह्मणों की दुहाई देकर अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। गोरखनाथ पांडे ने आरोप लगाया कि उनके सगे भाई रामेश्वर नाथ पांडे की हत्या में वो अभियुक्त हैं, जिसका मुकदमा इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा है। वहीं ये भी कहा कि उनके दूसरे भाई त्रियंबकम नाथ पांडे के ऊपर जानलेवा हमले में भी वो शामिल थे, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, अभी भी इलाज चल रहा है। पांडे ने कहा कि हमारे ही भाइयों के खिलाफ नहीं बल्कि दर्जनों ब्राह्मणों की हत्या, लूट और हत्या के प्रयास के मामले उन पर हैं, और ऐसा व्यक्ति आज ब्राह्मण होने की दुहाई दे रहा है जिसका कर्म ही ब्राह्मण का नहीं है। पूर्व सांसद ने कहा कि 71 मुकदमे उनके खिलाफ कोर्ट में लंबित हैं, जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। पूर्वांचल में कुख्यात आतंक का पर्याय है विजय मिश्रा, चाहे खनन के ठेके हो, रंगदारी के मामले हो, अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जा हो, बालू लदे ओवरलोडेड डंपरों से करोड़ों की सड़कों का टूटना हो, तमाम मामलों में वो आरोपी है। बड़े बड़े केस उन पर हैं और वो आज सीएम को आरोपी बता रहे हैं। सुनिए गोरखनाथ पांडे का क्या कहना है। दूसरे भाई त्रंबकनाथ पांडे पुल पर गए थे, कागज वागज लेके सुबह लोग जाते हैं, और उसी दरमियान वो पहले से उनकी पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव हम हारने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि चुनाव ही ये पोस्टपोन्ड हो जाए। उनको उनके दिमाग में रहा होगा कि मैं जाऊंगा उस दिन उस पोल पर और मेरी ही हत्या कर दें ताकि ये चुनाव रुक जाए, लेकिन यह दुर्भाग्य था कि मैं नहीं पहुंच पाया था, मेरे छोटे भाई लोग गए थे और पूर्व प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने घेर करके और वो हमारे छोटे भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, ऑन द स्पॉट उनका उनकी हत्या की गई, दूसरे भाई पर जानलेवा हत्या की गई, उन्हें हेरिटेज बनारस में सिंह हॉस्पिटल में ले जाया गया, उस समय चूंकि शासन सत्ता भाजपा की थी, उनका दबाव जो था वो इस जिले पर उसके पहले से ही बढ़ रहा था, क्योंकि कभी वो ब्लॉक प्रमुख के रूप में आए, यहाँ के लोगों ने उनको सहयोग दिया, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बने, फिर यहाँ उन्होंने लूटपाट शुरू किया, चाहे कोई ठीके हो, चाहे हत्या हो, चाहे दबाव के लिए कुछ भी करना पड़े, बड़े से बड़े लोगों पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए, और विशेष रूप से ब्राह्मणों पर, क्योंकि ब्राह्मणों का क्षेत्र रहा है, यहाँ ब्राह्मण नेता रहे हैं, कभी श्याम धर्मिष्ठा रहे हैं, कभी बंसीधर पांडे रहे हैं, कभी मेरे विधायक और सांसद के रूप में मेरा भी कार्यकाल रहा है, इसके पहले और कई ऐसे ब्राह्मण नेता थे जो यहाँ इस राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी रसूख हुआ करती थी, उनके दिमाग में आया पहले इनको दबाया जाए, इतना नहीं पूरे पूर्वांचल में, चाहे भदोही हो, मिर्जापुर हो, इलाहाबाद हो, आगे के जिले हो, बलिया, जितने भी ठीके पठीके होते थे, चाहे गंगा घाट बालू का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे ये शराब का हो, चाहे किसी भी तरह के ठीके विजय मिश्रा के नाम से चला कर तब भी चलते थे, आज भी चलते हैं। 13 हाई कोर्ट में, जबकि मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, हम जाकर उनसे गुहार लगाए कि मैं विधायक रहा, मेरे भाई की हत्या हुई, दूसरे भाई पर जानलेवा हमला हुआ, महोदय इसको आप इस तरह से कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर किसी तरह से जब शासन परिवर्तन हुआ, मायावती जी का शासन हुआ, तब जाके ये मुकदमा स्टैंड हुआ, आज हाई कोर्ट में चल रहा है। जाहिर है विजय मिश्रा के जेल जाने के बाद अब उनके सभी विरोधी एकजुट हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विजय मिश्रा की राजनीति आगे क्या गुलखिलाती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।